हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे इलिप्स की कंस्ट्रक्शन का, आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड। ये मेथड जो था वो था कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, जो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था। तो ये वीडियो भी आप देखें और फिर इस वीडियो पे आएं। देखिए, मेजर एक्सिस कितना गिवन है, 70 mm। तो ए बी लेंथ कितनी ले लेंगे हम, 70 mm, और माइनर एक्सिस कितना है, 40 mm। तो ए बी का जो सेंटर आएगा वो आएगा ओ पॉइंट, ठीक है ना। ए बी का सेंटर आएगा ओ पॉइंट। तो हमने क्या किया, ओ पॉइंट से 20 mm ऊपर और 20 mm नीचे दो पॉइंट आ जाएंगे सी डी, जिनकी लेंथ होगी 40 mm। इतना होने के बाद देखिए, ओ बी जितना कंपास खोलना है, या यूं कहें ए ओ, या तीसरा क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस का हाफ। तो मेजर एक्सिस कितना है ए बी, ए बी का हाफ कितना हो जाएगा ए ओ, या फिर ओ बी, उतना कंपास खोलना है ए ओ। और सी पे कंपास की नीडल पुट करनी है, और एक आर्क लगानी है यहाँ पे और दूसरी आर्क लगानी है यहाँ पे। इस पॉइंट को बोलेंगे F1 और इस पॉइंट को बोलेंगे F2। फोकस F1 और फोकस F2 इलिप्स के ये पॉइंट होते हैं। अब देखिए, 1, 2 और 3 पॉइंट हमने मार्क करने हैं एस्टीमेशन से, अपने अंदाजे से मार्क कर लेना, चाहे बराबर दूरी पे हो चाहे बराबर दूरी पे ना भी हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखिए, आपको उठाना है अपना कंपास। आपको क्या करना है, A1 जितना कंपास खोलना है, कितना A1, ठीक है ना। A1 जितना कंपास खोलेंगे और F1 पे नीडल पुट करेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और एक आर्क लगा देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। और सिमिलरली F2 से भी यही काम करेंगे, एक आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ और एक आर्क लगाएंगे नीचे की तरफ। कंपास कितना खोला, A1, और आर्क लगा दी F1 से और F2 से। अब क्या करना है, B1 जितना कंपास खोलना है। अब B1 देखिए कितना है, ये मेरा B1 है, पहले A1 था अब B1 है। B1 जितना कंपास खोलना है और एक बार आर्क लगानी है आपको F1 से, देखिए, ठीक है ना। दूसरी बार यही आर्क, इतना ही कंपास खोल के लगानी है F2 से। इतना काम हो गया। अब देखिए, A2 जितना कंपास खोलना है और F1 से आर्क लगानी है, ये आर्क हो जाएगी मेरी, ठीक है, और एक आर्क हो जाएगी नीचे की तरफ। A2 है ये, ध्यान रहे, A2 ये आर्क और एक ये आर्क, ठीक है ना। अब कंपास कितना खोलना है, B2, ठीक है ना, आर्क वहीं से लगानी है F1 और F2 से ही। देखिए, ठीक, उसके बाद A3, ठीक है, A3 जितना कंपास खोला और F1 से आर्क लगाई कुछ इस तरीके से, ऊपर भी और नीचे भी, फिर F2 से भी ऐसे ही आर्क लगा दी, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब देखिए, अब B3, ये B3 हो गया हमारा, ठीक है ना। अब आर्क कहाँ कहाँ से लगानी है, एक बार F1 से लगानी है, ठीक है ना, एक बार F2 से लगानी है। ये मेथड है, बड़ी केयरफुली करना है, एग्जाम में आप ये ना भूल जाएं कि कौन सी आर्क कहाँ से लगानी है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको पॉइंट मिलेंगे कौन कौन से, ये मिला पॉइंट मेरा P1, ये मिला P2, ये मिला P3, सिमिलरली ये सभी पॉइंट मिल जाएंगे, 12 पॉइंट मिलेंगे। अब इन पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कैसे करेंगे, देखिए, स्मूथ कर्व रखेंगे पहले क्या रखें, आप 2H की पेंसिल लें और इसको थोड़ा सा स्मूथ लेके आए हाथ से, स्मूथ रखें कर्व को, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इसीलिए पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें इसको। जब ये थोड़ा राउंडनेस आती दिखे आपको, उसके बाद आपको अपनी एच पेंसिल से इसको डार्क करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए, अब करना है आपको डार्क, अब अपनी उठाइए एच पेंसिल, अब कैसे डार्क करेंगे, देखिए, इसी लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देंगे आप,
जहाँ जहाँ ये आर्क से पॉइंट आए थे इन्हीं पॉइंट को जोड़ते चलें आप। यहाँ राउंडनेस दे दें थोड़ी सी, यहाँ राउंडनेस आनी चाहिए, शार्पनेस नहीं। और डी पॉइंट से मिलाएंगे, जितने पॉइंट आप चाहते हैं उतने ही पॉइंट आप F1 और O के बीच में रखें, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ चाहें तो 4, 5, 6 जितने मर्जी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इलिप्स की कंस्ट्रक्शन थी बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड से, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। ये A1 कंपास खोलना है, F1 से आर्क लगानी है, F2 से। A2 कंपास खोलना है, F1 और F2 से आर्क लगानी है। A3 कंपास खोलना है, F1 और F2 से आर्क लगानी है। पहली बात तो ये, दूसरी बात B1 कंपास खोलना है, F1 F2 से आर्क लगानी है। B2 कंपास खोलना है, F1 और F2 से आर्क लगानी है। यानी देखिए मैं साइड में लिख देता हूं, आपको F1 और F2 से आर्क लगानी है। पहली बात तो F1 और F2 से आर्क लगानी है, लेकिन पहली बार रेडियस कितनी रखेंगे, A1, ठीक है, और दूसरी बार रखेंगे B1, A1 और B1, ठीक है ना, दोनों ही में। F1 और F2 पे रखनी है कंपास की निडल, और रेडियस कितनी खोलनी है, A1, यहां पे भी A1, यहां पे भी B1, यहां पे भी B1, उसके बाद A2 और A2। इस तरीके से मैंने साइड में आपके लिए लिख दिया है। अगर भूलने की लगे आपको कि आप भूल रहे हैं, तो आप इसको मेथड को अपना लीजिए। ये आपका हो जाएगा कौन सा मेथड, आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड। थैंक यू वेरी मच।